तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली ये देखा था कि किस तरीके से हम प्रिसीजन और रिकॉल के दरमियान मिनिमम पॉइंट पे, जहाँ पे रिकॉल और मिनिमम दोनों की जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल बराबर आ जाए, वो हमारे पास बेस्ट पॉइंट होता है। वो मैंने आपको ग्राफ से दिखाया था, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं, क्या कहते हैं, मेक स्कोरर फंक्शन को पढ़ते हैं। मेक स्कोरर फंक्शन पढ़ने का मैं आपको फायदा एंड पे बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने मेक स्कोरर फंक्शन को देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन किसमें है। तो बड़ा सिंपल है, देखें यहाँ पे हमारे पास मेक स्कोर। अब मैं क्या करता हूँ, यही चीज मैं कॉपी करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेक स्कोर फंक्शन इंटरनली इसके साथ करता क्या है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और इसको मैं एक डमी नाम के वेरिएबल में देता हूँ, सिर्फ ऐसे ही कि ये डमी है, इसका कोई फायदा नहीं। फिर मैं कहता हूँ चलिए मैं इसको रन कर लूँ, रन हो गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ क्वेश्चन मार्क डमी। देखिए पाइथन में जब आपने किसी फंक्शन के उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना है तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वो आपको उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन दे देगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, ओके। तो ये कह रहे कि डमी तो है ही नहीं कोई, डी यू ओ, मैंने डम्पी लिखा है इधर, सॉरी मैंने डमी लिखा था। ये देखें डमी फंक्शन, ये मैंने यहाँ पे लिखा ना इसका नेम डमी, सॉरी जो ऑब्जेक्ट था इसका, आप जरा यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, इसका सिग्नेचर पे फोकस करें। यहाँ पे क्या हमारे पास डमी वही जो हमने नाम दिया, इसके अंदर चार आर्गुमेंट है, एक एस्टिमेटर है, एक एक्स है, एक वाई ट्रू है, एक है सैंपल वेट इज इक्वल टू नन। हम इसको पढ़ते हैं लेकिन पहले आप फोकस करेंगे कि ये एस्टिमेटर और ये सब चीजें इसके पास आई कैसे, हमने इसे क्या पास कराया। हमने इसे पास कराया मिनिमम प्रिसीजन रिकॉल, और मिनिमम प्रिसीजन रिकॉल के अंदर क्या पड़ा हुआ था, आपने फोकस किया उसके अंदर, वो नीचे हमारे पास उस फंक्शन को पढ़ते कि उसमें हमारे पास था क्या इनिट सेल्फ। इसके अंदर हमने क्या दिया हुआ था, इसके अंदर हमने वाई वाई ओरिजिनल लेबल और प्रेडिक्टेड, ओरिजिनल लेबल और प्रेडिक्टेड और उसका मिनिमम, इसमें तो हमने और कोई चीज दी नहीं है, तो ये सब चीजें और कहाँ से आएंगी इसमें, ये एस्टिमेटर, ये एक्स, ये वाई टू, ये। लेकिन मैंने आपको एक शुरू में बात बताई, मेक स्कोर फंक्शन किसके अंदर यूज होता है, ये यूज होता है हमारे पास बेसिकली ग्रिड सर्च के अंदर। और ग्रिड सर्च के अंदर आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, ग्रिड सर्च अगर हम जाए, ग्रिड सर्च में देखिए हमारे पास एक एस्टिमेटर, ठीक है, हमारे पास एस्टिमेटर तो वहां से आ गया। इसी तरह ये चूंकि हम एक्स भी हमारे पास होता है, ये एक्स भी ले लेता है इंटरनली खुद ब खुद, और वाई टू तो हम इसे ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, ये सैंपल वेट क्या चीज़ है ये खुद ब खुद लेगा, जो जो चीजें आप इसको ग्रिड को जो जो फिट कराएंगे सब खुद ले लेगा, यहाँ से ग्रिड सर्च से ही ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, इसलिए तो इसको ग्रिड सर्च के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए, मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए समझने में, बल्कि मैं उसी फंक्शन को डिफाइन करके, हमने क्या फंक्शन यूज किया था, मिनिमम प्रिसीजन रिकॉल, इस फंक्शन को मैं अपडेट करता हूँ, बस अब वो पुराने वाले यूज नहीं करते, इस नए को यूज करते हैं। इसके साथ में इसके इंटरनली मैं वही सारी चीजें दे देता हूँ जो कुछ इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखें क्या होता है, ये इसके अंदर चलाइए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि प्रिडिक्टेड वाई यहीं से ले लेता हूँ, और यहाँ पर कहता हूँ कि एस्टिमेटर डॉट प्रिडिक्ट एक्स, ठीक है, ओरिजिनल एक्स ये आ जाएगा हमारे पास, यानी जो भी इसका प्रिडिक्टेड का रिजल्ट हो, जो भी एक्स से प्रिडिक्ट हो जाए उसका रिजल्ट तुम प्रिडिक्टेड वाई में डाल दो, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा और हमने क्या करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही पुराना फंक्शन बनाना है। मैं क्या लिख रहा था, पी इज इक्वल टू प्रिसीजन स्कोर में वाई ट्रू कॉमा प्रिडिक्टेड वाई कर दो अंडर स्कोर वाई, फिर मैं आर पे आर इज इक्वल टू रिकॉल स्कोर
वाई कॉमा प्रिडिक्टेड वाई, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, रिटर्न मिनिमम ऑफ पी कॉमा आर, सही हो गई ये बात, लाइक इट्स डन एंड क्लियर। ओके सो अब मैंने ये फंक्शन भी बना लिए, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें क्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये लिखने की, ये मेक स्कोरर जो मैं लिख रहा था ना साथ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसके बगैर मजे से चलेगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको आप लोगों को इस पे रन करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को, ये इसको रन किया फिर ये, अब ये देखें कोई एरर नहीं है और आराम से चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये फिट हो गया, अब हम इसको क्या करते हैं, यानी कि आप लोग देखें, मैंने अगर जो काम यहाँ पर मेरे लिए मेक स्कोर फंक्शन कर ली तो वो मैंने ऑटोमेटिकली करवा ली, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, हमें मैंने ये करवाया क्यों है, देखें तो ये मैंने आपसे क्यों करवाया, इसका एक फायदा ये कि देखिए आपको ये पता चल गया कि हम लाइक किसी भी फंक्शन को जो ऑलरेडी बिल्ट इन हो उसको अपने ये कैसे यूज कर सकते हैं, और दूसरा आपको जो फायदा ये हुआ ये देखिए सैंपल वेट किया, सैंपल वेट डिफरेंट है और क्लास वेट डिफरेंट है। क्लास वेट क्या चीज होती है, क्लास वेट में होता है अगर आपके पास जीरो क्लास है, ठीक है, तो उस वो एक अलग बात, लाइक जीरो क्लास और वन क्लास, ये है हमारे पास क्लासेस, और इसको अगर मैं कोई वेट असाइन करता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे जीरो को वन कर दिया और वन को मुख्तलिफ नंबर किए, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस पूरी क्लास को एक वेट असाइन हो जाए, लेकिन सैंपल वेट एक डिफरेंट चीज है। सैंपल वेट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने ओरिजिनल जो हमारे पास डेटा टीएफ था, डेटा फ्रेम था, उसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट था यहाँ पर वेट सेकेंड, ये अमाउंट का, ठीक है ना, अमाउंट अमाउंट को मैं यहाँ पे यूज कर सकता था सैंपल वेट में, यानी कि मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ ना, जैसे अगर आपके पास फ्रॉड की ट्रांजैक्शन है, सबर मैं बोले हूँ उधर, यस, अगर आपके पास के एक फ्रॉड की ट्रांजैक्शन है तो $1 के फ्रॉड की ट्रांजैक्शन को पकड़ना इम्पोर्टेंट है या जो मिलियंस ऑफ डॉलर है, ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शन को पकड़ना जरूरी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पे कुछ ऐसी सेटिंग लगाऊं इस सैंपल वेट पे कि जब आपके पास ये अमाउंट वाले, ये जब कोई खास अमाउंट से बड़ा हो जाए तो इस पे जरा फोकस करो, कुछ मैं इस तरह की इसमें सेटिंग कर सकता हूँ। तो सैंपल वेट में हमारे पास क्या हो रहा होता है, जैसे मैं आपको अमाउंट की वो एग्जांपल दिखाई है, सैंपल वेट एक्चुअली ये करता है आपके लिए, ये बताता है कि ये वाली रो जो है ये और रोज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी एक क्लास को टारगेट नहीं करता, ये कहता है कि ये वाली रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये वाली रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर कहीं पे मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजेक्शन है तो वो वाली रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम कहेंगे सैंपल वेट पे उस तरह की सेटिंग करवा सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर लाइक ये लिख सकते हैं कि इस तरह देख सकता हूँ कि सैंपल अंडरस्कोर WEI वेट, सैंपल वेट इज इक्वल टू, मैं इस तरह दे सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ कि TF अमाउंट दे दूँ, ठीक है, मैं लाइक इस तरह कर सकता हूँ ना कि अमाउंट वाले पे ज्यादा फोकस, खैर ये थोड़ा सा स्कोप से बाहर है इन चीजों के, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं ऐसे आपको बता रहा था कि हम सैंपल वेट को इसलिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब सैंपल वेट इज होता है इसलिए कि ये बताए कि ये रो इस रो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो हमने ये भी सीख लिया कि कैसे किस तरीके से हम एक फंक्शन को देख लिया कि ये क्या इंटरनली काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तो मेक स्कोरर सिंपली जो है हमारे पास क्या करता है, ये काम करता है, एस्टिमेटर इसके पास होता है, बस ये प्रिडिक्टेड होता है इसके पास आ जाता है, ये आपके लिए हमने, मैंने आपके लिए खोल दिया, अब आप चाहे इस पे और जितना स्टडी करना चाहे सब टू यू, स्टे ट्यून्ड।